इन लोगों पर हम छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे। बिहार की जनता के हित में मेवा के लिए नहीं सेवा के लिए काम करो। सत्ता बदला है, व्यवस्था बदलेगा और बिहार का माहौल बदलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने विरोधियों की कर दी खटिया खड़ी। बिहार को लूटने वालों को दे डाली खुली चुनौती। वीडियो के जरिए विपक्ष पर दहाड़े डिप्टी सीएम, आक्रोशित होकर बता दिया कैसे करेंगे भ्रष्टाचारियों की छुट्टी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा अक्सर अपने धाकड़ बयानबाजी के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का अंदाज देख विरोधी भी कांपते हैं। एक बार फिर विजय कुमार सिन्हा ने वीडियो बनाकर और बिहार को लूटने वाले भ्रष्टाचारियों यानी कि विपक्ष पर निशाना साधा है और चेतावनी दी है। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन के अंदर साफ स्पष्ट तौर पर लोगों को कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, बिहार की जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाले लोगों की हम जांच कराएंगे, और आज डर कर करके ये लोग फिर से गुणगान करने में लगे हैं। अरे भ्रष्टाचारियों, वंशवादियों, हिम्मत है तो मुकाबला करो अगर जो भ्रष्टाचार नहीं किए हो। मुख्यमंत्री जी के आरती उतारने और दया के पात्र बनने से मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे। सदन के अंदर उन्होंने कह दिया है इन लोगों पर हम छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे। बिहार की जनता के हित में मेवा के लिए नहीं सेवा के लिए काम करो। सत्ता बदला है, व्यवस्था बदलेगा और बिहार का माहौल बदलेगा। दरअसल जब से बिहार में नई सरकार आई है, बीजेपी और जदयू ने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया है। उसके बाद से विपक्ष यानी कि राजद खेमे में उथल पुथल मच गई है। इतना ही नहीं, फ्लोर टेस्ट के दौरान जो नजारा दिखा, जहां अपने ही पार्टी के विधायकों ने राजद का दामन छोड़कर और पक्ष के साथ बैठ गए, तभी ये नजर आ गया था कि राजद का पतन बिहार में बेहद करीब आ चुका है। उसके बाद से ये तनातनी और सियासी उठापटक बिहार में और भी तेज हो गई और पार्टियां एक दूसरे पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर बयानबाजी टिप्पणियां करती दिखी है। लेकिन यही वो वक्त है जब उन बातों को और बीते सालों में बिहार को लूटने वाले लोगों और भ्रष्टाचारियों का चेहरा सामने आने का वक्त आ गया है, जिन पर से अब पर्दा हटेगा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन के अंदर साफ स्पष्ट तौर पर लोगों को कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, बिहार की जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाले लोगों की हम जांच कराएंगे, और आज डर कर करके ये लोग फिर से गुणगान करने में लगे हैं। अरे भ्रष्टाचारियों, वंशवादियों, हिम्मत है तो मुकाबला करो अगर जो भ्रष्टाचार नहीं किए हो। मुख्यमंत्री जी के आरती उतारने और दया के पात्र बनने से मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे। सदन के अंदर उन्होंने कह दिया है इन लोगों पर हम छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे। बिहार की जनता के हित में मेवा के लिए नहीं सेवा के लिए काम करो। सत्ता बदला है, व्यवस्था बदलेगा और बिहार का माहौल बदलेगा।